मैं छोटे सपने नहीं देखता, न ही छोटे काम करता हूं। पीएम मोदी। महासंग्राम में बदल चुकी लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार रैलियां, बैठकें, सम्मेलन और जनसभाएं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ग्रेटर नोएडा में नव निर्मित पवन दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान परिसर पहुंचकर पवन दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया और इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान और नोएडा मेट्रो सिटी सेंटर इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर सेक्शन का शुभारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री ने बोलते हुए कहा, यहां आप मोदी मोदी कर रहे हैं और वहां कुछ लोगों की नींद हराम हो रही है। वो भी कुछ दिन थे जब नोएडा ग्रेनों की पहचान भ्रष्टाचार, टेंडरों में धांधली और जमीन घोटालों में धांधली की वजह से होती थी। उन्होंने कहा कि मैं छोटे सपने देखता नहीं, छोटे काम करता नहीं, लेकिन अब यहाँ विकास से, रोजगार सृजन से होती थी। आज नोएडा मेक इंडिया के बड़े हब के तौर पर विकसित हो रहा है। आज मोबाइल बनाने में भारत नंबर 2 पर है, जिसका श्रेय नोएडा को जाता है। अधिकतर मोबाइल, फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियां नोएडा में हैं, जो युवाओं को रोजगार दे रही है। पीएम बोले, नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर तक चलने वाली मेट्रो से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जेवर में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इससे जुड़ी तमाम प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इससे यहां की एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पश्चिम यूपी के लिए स्वर्णिम अवसर है। उड़ान योजना के तहत बरेली से भी उड़ानें शुरू होंगी। उड़ान योजना के तहत 120 उड़ानों को शुरू किया गया है। इससे देश के टीयर 2 टीयर 3 शहरों में भी एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। 2 और बड़े पावर प्लांट का शिलान्यास यहां से किया गया है। यूपी के खुर्जा में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और बिहार के बक्सर में 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी।